हे गाइस, हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एम आई नोट 9 प्रो मैक्स की। यस गाइस, एम आई नोट 9 प्रो मैक्स, सो गेट रेडी टू वॉच दिस वीडियो। एम आई नोट 9 प्रो मैक्स फुल ऑन पावर, लेट्स अनबॉक्स दिस। तो सबसे पहले मैं अपने हाथ को कर लेता हूँ सैनिटाइज और फिर करते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग एम आई नोट 9 प्रो मैक्स की। तो इसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको कट और करते हैं इसको ओपन। ये देखा इसका जो नेम लिखा है, एज यू कैन सी दैट रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखा है एम आई नोट 9 प्रो मैक्स, तो चलिए इसे निकालते हैं बाहर और कर सकते हैं इसकी पूरी अनबॉक्सिंग, या क्या बोल देंगे अभी। हम लोग लड़ते रहे जंग किस तरह से इसको ओपन किया जाए, कैसे ओपन किया जाए। फाइनली हम लोग ने पूरा इसको ऊपर नीचे सब जगह से इसका रैपर खोला, सब जगह से इसके स्टिकर्स निकाले, फाइनल तब जाके हम लोग इसको कर पाए ओपन। और ये यहाँ पर डेंटन ओपन हो चुका है। तो ये खाली बॉक्स फेंक दो साइड में, और ये रैपर है, कचरा है शायद ये। चलो ये रैपर को साइड में करते हैं, ये कुछ रैपर लग रहा है या फिर इसमें कुछ रहेगा, चलो साइड में करते हैं। सबसे ज़रूरी है मोबाइल डेंटन। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर का स्क्रीन, लेकिन मैंने मंगवाया कौन से कलर में, ग्रे कलर में। देख सकते हो आप ये कौन सा कलर है, आप ही नोटिस कर लो, मुझे तो नहीं मालूम ये। एम आई नोट 9 प्रो मैक्स सब है हमारे पास जो एम आई नोट 9 प्रो में मिलता है। कॉलम स्नैपड्रैगन 720G हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर, गेमिंग के लिए बेस्ट। और ये 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा, डॉट डिस्प्ले फुल HD प्लस, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। तो ये रहा मेरा एम आई नोट 9 प्रो मैक्स मोबाइल। तो यहाँ पर जो इसके बॉक्स में देख सकते हो, सामने आपको नंबर 1 का मार्क लिखा हुआ है, नंबर 1 इंडिया ब्रांड लिखा हुआ है, एम आई नोट 9 प्रो ऐसा कुछ लिखा है। और यहाँ पर देख सकते हो पीछे साइड में आपको कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है, कुछ कोड्स वगैरह बताए गए हैं। और फिर ये जो ख़ास अपना मोबाइल है, मोबाइल देख सकते हो आप, मैंने जो लिया है ब्लैक सामने स्क्रीन कलर है और पीछे जो है थोड़ा ब्लूइश कलर में है। तो यहाँ पर जो ये केस है, इसमें केस पेपर है, इसमें जो आपको मिलेगा एक इजेक्ट पिन जो कि आप सिम निकालने और लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और फिर नीचे आपको मिलेगा मैनुअल जो कि जिसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं, अगर आप रीड करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर न्यू यूज़र है तो मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ये है कुछ एक थैली जिसमें आपको मिलता है कवर, यस फोल्डेबल कवर मिलता है जो कि एकदम फ्लेक्सिबल है, फोल्डेबल है। तो चलिए इसे फटाफट मैं लगा लेता हूँ अपने मोबाइल में और फिर देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कवर। लेकिन एक महीने बाद में इस कवर की कलर कौन सी होगी ये आप सभी को मालूम है, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। ओके, तो चलिए इसे फटाफट मैं कर लेता हूँ दूसरा, इसमें चेक करता हूँ इस बॉक्स में और क्या है। तो यहाँ पर आपको मिलता है केबल जो कि काफ़ी लंबा है और काफ़ी बेटर है। और यहाँ से फिर मैं आपको ओपन करता हूँ चार्जर, चार्जर काफ़ी स्ट्रांगली वहाँ पर फिट है, मेरे को निकालना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हो जैसे दोस्तों आप, ये चार्जर काफ़ी हैवी है और प्लस 33 वॉल्ट फास्ट चार्जिंग है, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, बस कर अब क्या बॉक्स की जान लेगा। तो चलिए हम लोग चालू कर लेते हैं मोबाइल को, और यहाँ पर मोबाइल चालू करने के लिए करीब 20 से 30 सेकंड जाता है। और फिर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। मोबाइल चालू करने के बाद आपको कुछ सिंपल से सेटिंग्स करने रहेंगे, जैसे कि आपको लॉगिन करना होगा अपने MIUI अकाउंट्स में, और आपको यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश हिंदी जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ वेबसाइट छोटे मोटे जो सेटिंग्स है वो फटाफट करने रहेंगे, और सेटिंग्स के बाद हमको फाइनली हम ओपन करेंगे अपना मोबाइल। तो ये चलिए मैं सेटिंग फटाफट कर लेता हूँ। तो बस अभी सेटिंग पूरा होने वाला है, तब तक के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका बैक कवर है पीछे साइड का, वो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। ये देखो वहाँ पर कैसे आपको सिम कैसे इंसर्ट करना है वो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है।
कि सबसे पहले आपके दो सिम लगेंगे और दो सिम इस तरह से लगाना है, और फिर तीसरा आपको अपना माइक्रो एसडी जो मेमोरी कार्ड है वो किस तरह से लगाना है उसकी पूरी जानकारी दी गई है पीछे। तो ये आप जो लेबल दिया गया है तो लेबल भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा मैं। ओके, तो यहाँ पर चालू हो गया मेरा मोबाइल और यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आया गेट इंट, और यहाँ पर देखिए मेरा मोबाइल चालू हो गया है और यहाँ पर देख सकते हो इसका जो यूज़र इंटरफेस है कैसा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेम मेरा जो मैं पहला मोबाइल था MI 4 सेम उसी की तरह है, अपडेटेड वर्जन है बस। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर चाइनीज़ ये जो हेलो ऐप है इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में बैन किया गया है, तो मैं इसको कर देता हूँ अनइंस्टॉल फटाख से। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने पहले सबसे पहले स्क्रीन पे प्रेस किया, फिर यहाँ पर क्लिक करके ऊपर बीच साइड में ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल का, ये रिकमेंडेड है दोस्तों, सभी लोग जाके इसे डिलीट करेंगे क्योंकि जब इसे इंडिया ने बैन किया तो आपको डिलीट करना है अपने मोबाइल शोर से। ओके, तो इसे डिलीट कर देना है और यहाँ पर देख सकते हो फिर आपको सिंपल सा सादा सा फेस मिलेगा, यूज़र इंटरफेस मिलेगा, और आपको यहाँ पर कैमरा के कुछ फ़ोटो हैं तो ये देख सकते हो, जो मैंने पहले मोबाइल के 64 मेगापिक्सल कैमरा जो आपको मिलता है उससे मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों फोटोशॉप काफ़ी हो गया और अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और सेटिंग्स में चेक कर दे क्या है इसकी पूरी अंदर की जानकारी, पूरा निकालते बाहर। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको सब चेक कर लेना। यहाँ पर 6 GB रैम है, MI Note 9 Pro Max इसका नाम है, वर्जन कितना है, स्नैपड्रैगन कितना है, यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन 10 है, ये एंड्रॉयड 10 है। तो ये सब जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टारगेट है 10 लाइक का।